मुंबई की पांच खबरें। सबसे पहली खबर मुंबई में कांस्टेबल की गिरफ्तारी से, जहां पर मुंबई से सटे नवी मुंबई परिसर में सानपाड़ा में स्थित पाम बीच है, और वहीं से उसी पाम बीच पर वो एक 19 वर्षीय छात्र ने एक कांस्टेबल पर छेड़खानी का मामला शुक्रवार के दिन बताया था, जिसके बाद शनिवार के दिन पुलिस कांस्टेबल को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया। दूसरी खबर उर्फी जावेद से जुड़ी हुई है, जहां पर बीजेपी की चित्रा वाघ ने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मुलाकात करते हुए एक लेटर दिया है, जिस लेटर में ये लिखा गया है कि पब्लिक प्लेसेस में छोटे कपड़े पहनकर उर्फी जावेद बाहर आती है, और ऐसे में इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये देखना है उर्फी जावेद की ये मुश्किलें तो बढ़ गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। तीसरी खबर मुंबई के ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी हुई है, जहां पर मुंबई में नए साल को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी भारी बंदोबस्त किया था, और इसी बंदोबस्त में पुलिस ने 3000 लोगों का चालान काटा था, और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की संख्या 156 थी, जिन 156 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। चौथी खबर मुंबई के न्यू ईयर में ड्रग्स की बड़ी खेप को सप्लाई करने आए नाइजीरियन से जुड़ी हुई है, जहां पर नवी मुंबई पुलिस ने 16 नाइजीरियन को 1,70,00,000 रुपये की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। बड़े पैमाने पर नए साल पर ये ड्रग्स की सप्लाई करने आने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पांचवी खबर मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस से, जहां पर मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने 28 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पर आरोप है कि इसने एक महिला समेत 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा था, और इसके बाद 28 साल से फरार था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे धर दबोचा।